सब्सक्राइब करिए नेक्सोन टेक को और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो दोस्तों, को स्वागत है नेक्सोन टेक में। मैं हूं मयंक। आज हम करने वाले हैं दो फ्लैगशिप फोन्स का कंपैरिजन। एक तरफ है हमारा Redmi K20 Pro, दूसरी तरफ है हमारा OnePlus 7 Pro। तो देखते हैं कौन सा फोन जो है अपने वैल्यू फॉर मनी है, कौन से फोन जो है अच्छा है दोनों में से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। जो उनके डिफरेंस है काफी ज्यादा माइन्यूट है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन दोनों के फोन्स की डिस्प्ले से। तो सबसे पहले जो डिस्प्ले की बात करूं Redmi K20 Pro की, तो उसमें आपको देखने को मिल जाती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और वो भी 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले आपको पैनल देखने को मिल जाता है उसमें। और आपको दूसरी तरफ वहां पे OnePlus 7 Pro में देखने को मिल जाती है ऑप्टिक एमोलेड स्क्रीन, और साथ में आपको इसमें 2K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और जो इसकी साइज है वो बड़ा है Redmi K20 Pro से, इसमें आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले दोनों ही फोन्स की काफी ज्यादा अच्छी है। आप जब दोनों को यूज करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि एमोलेड है दोनों में, दोनों की व्यू एंगल्स काफी ज्यादा शानदार होने वाले हैं। बात करें दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही फोन्स में आपको बहुत ही अच्छे प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। दोनों में आपको स्नैपड्रैगन का 855 देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर आपको दोनों के UI की वजह से देखने को मिल जाएगा। आपको OnePlus 7 Pro में आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिलता है, और वहीं आपको MIUI देखने को मिल जाता है Redmi K20 Pro में। MIUI में आपको एड्स भी देखने को मिलते हैं, और जबकि ऑक्सीजन OS काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। दोस्तों, चलते हैं दोनों ही फोन्स के कैमरेज की तरफ। तो दोनों ही फोन्स में काफी अच्छे कैमरेज आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको दोनों ही फोन्स में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। आपको अगर Redmi K20 Pro में बात करो तो आपको 48+13+8 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आपको OnePlus 7 Pro में देखने को मिल जाता है 48+16+8 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप। बात करो दोनों में ही आपको IMX का 586 सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको Redmi Note 7 Pro में भी देखने को मिला था। फ्लैगशिप फोन्स भी पता नहीं क्यों ये IMX 586 सेंसर के पीछे ही पड़े, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सोनी के इतने अच्छे खासे सेंसर्स भी आ रखे हैं मार्केट के अंदर, उनका यूज पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं फ्लैगशिप में। बाकी पता नहीं अब नए फ्लैगशिप में क्या पता चेंज हो जाए। अब मैं दोनों ही फोन्स के लेंसेज के अपर्चर की बात करूं, तो आपको जो मेन लेंस में जो अपर्चर देखने को मिलता है दोनों ही फोन्स में, आपको Redmi K20 Pro में मेन लेंस का अपर्चर देखने को मिल जाता है 1.8, आपको दूसरी तरफ OnePlus 7 Pro में देखने को मिल जाता है 1.6 का अपर्चर मेन लेंस में। आप यहाँ पे देखिए फर्क 1.8 अपर्चर 1.6 अपर्चर, ऑब्वियसली वाली बात है, यहाँ पे 1.6 का अपर्चर जो है लो लाइट कैपेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी आपको, आपको जो नाइट शॉट्स होंगे काफी ज्यादा अच्छे कैप्चर होंगे फोन के अंदर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है नाइट में जो कैमरा है परफॉर्मेंस है वो OnePlus 7 Pro की अच्छी होगी एज कम्पेयर टू Redmi K20 Pro। मैं बात करूँ अल्ट्रा वाइड सेंसर के अपर्चर की, तो आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर में 8 मेगापिक्सल दोनों में ही मिल जाता है, और दोनों की अपर्चर जो है आपको 2.2 के अपर्चर देखने को मिल जाते हैं अल्ट्रा वाइड में। बात करूँ यहाँ पे आपको एक फायदा यहाँ पे MI की तरफ से देखने को मिल जाता है, यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो 124 डिग्री का अल्ट्रा वाइड व्यू आपको प्रोवाइड करवाएगा, और जबकि OnePlus 7 Pro में आपको 117 डिग्री का अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिलता है। अब मैं दोनों फोन्स के टेलीफोटो लेंस की बात करूं, तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है Redmi K20 Pro में, और आपको OnePlus 7 Pro में देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस। दोनों के ही कैमरे काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन OnePlus 7 Pro यहाँ पे सीधा सीधा विनर है। उसमें काफी अच्छे शॉट्स देखने को मिल जाते हैं, जो मतलब इमेज प्रोसेसिंग है OnePlus की, आपको जो फोटो फाइनलाइज मिलती है वो काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। Redmi की थोड़ी जो फाइनलाइज इमेज है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलती है। बोके इफेक्ट भी आप देखेंगे तो आपको OnePlus 7 Pro का अच्छा मिल जाता है, थोड़ा रियल लगता है, और एज डिटेक्शन भी OnePlus 7 की काफी ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू Redmi K20 Pro। अब बात कर लेते हैं दोनों ही फोन्स की वीडियो रिकॉर्डिंग की रियर कैमरे से, तो आपको दोनों ही फोन्स में रियर कैमरे तो अच्छे मिले ही हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफी अच्छे करते हैं दोनों ही फोन्स, लेकिन आपको OnePlus 7 Pro में एक प्रॉन देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे OnePlus 7 Pro में जो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ देखने को मिलती है, और आपको Redmi K20 Pro में EIS मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू EIS, आपको जो स्टेबलाइजेशन है वीडियो की वो रिकॉर्डिंग की वो काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है OnePlus 7 Pro में। और आपको OnePlus 7 Pro में एक प्रो मतलब काफी ज्यादा अच्छी बात ये भी है कि आपको 4K 60 FPS पे भी
EIS और OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, और आपको Redmi K20 Pro में 4K 60fps पे EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, 1080 60fps तक ही EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब बात करें दोनों ही फोन्स के सेल्फी कैमरास की, तो दोनों में ही मोटराइज सेल्फी कैमरास हैं। अगर बात करूं मेगापिक्सल्स में, तो आपको यहां पे Redmi K20 Pro में मिल जाता है 20 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ कैमरा, और वहां पे दूसरी तरफ बात करूं OnePlus 7 Pro में तो आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ एक कैमरा। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो सेल्फी कैमरास दोनों ही फोन्स के अच्छे हैं, लेकिन अपर्चर कम होने की वजह से OnePlus 7 Pro नाइट में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है सेल्फी कैमरे से भी। और बात करो दोनों ही फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे भी OnePlus 7 Pro विनर है। यहाँ पे OnePlus 7 Pro में आपको फ्रंट में EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है 1080 30fps पे, और आपको Redmi K20 Pro में कोई EIS OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। फ्रंट साइड में आपको बैटरी देखने को मिल जाती है 4000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी, और यहाँ पे आपको जो बैटरी दी गई है थोड़ी सी मेरे अकॉर्डिंग तो कम लगी मेरे को, क्योंकि आपको थोड़ी ज्यादा देनी चाहिए थी। आप मतलब 8 किस लिए लेंगे, आप गेमिंग के लिए लेंगे तो गेमिंग अगर आपको टाइम अच्छा नहीं मिलेगा तो आपको मजा नहीं आएगा। आपको मुश्किल से 4 या 5 आवर्स तक का आपको, अगर आप गेम खेलिए लगातार, तो इतने आवर्स तक का ही आपको स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा। और मैं बात करूं इन दोनों ही फोन्स की चार्जिंग की, तो चार्जिंग तो मतलब दोनों में ही फास्ट चार्जिंग दी गई है, लेकिन आपको इन द बॉक्स चार्जर देखने को नहीं मिलता Redmi K20 Pro में। आपको हालांकि 27 वॉट पे फास्ट चार्जिंग दी गई है Redmi K20 Pro में, और 30 वॉट पे फास्ट चार्जिंग दी गई है आपको OnePlus 7 Pro में। बात करें दोनों फोन्स की वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा दोनों फोन्स के प्राइस में। आपको Redmi K20 Pro 6128 वाला जो वेरिएंट है वो आपको 27,000 का देखने को मिलता है, जबकि OnePlus 7 Pro 6128 वाला आपको वेरिएंट 49,000 का देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे डबल का अंतर देखने को मिल जाएगा दोनों ही फोन्स में। हाँ, हालांकि अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है हमारा Redmi K20 Pro वैल्यू फॉर मनी है, और जबकि हमारा OnePlus 7 Pro जो है वो वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है, लेकिन वो अपनी प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट देखने को मिल जाती हैं चीज़ें, आपको जो OnePlus 7 का UI है वो ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आती है OnePlus 7 Pro को हैंड में होल्ड करने से। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप वैल्यू फॉर मनी वाला फ़ोन लेना चाहते हैं या फिर आप कोई ऐसा फ़ोन लेना चाहते हैं जो आपके लुक में भी अच्छा हो और ऑल ओवर परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। बाकी दोस्तों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दोनों ही फोन्स में से आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए नेक्स्ट टेक के साथ, फ्यूचर में अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, तो जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी।